तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर फॉर सपोज आप किसी प्राइवेट सेक्टर से टर्मिनेट हुए हो या किसी एमएनसी कंपनी से टर्मिनेट हुए हो या आपने ज्वाइन किया और वहाँ से रिजाइन डाला, उसके बाद में रिजिग्नेशन पीरियड कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में ऑप्शन मिल रहा है या गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है, तो क्या कोई उससे फ़र्क पड़ता है आपके गवर्नमेंट सेक्टर में? तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, वो चाहे एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कि मल्टीनेशनल कंपनी हो, कोई सा भी सेक्टर हो, अगर आप वहाँ से टर्मिनेट होते हो या आपने रिजाइन डाला है और आप अपना रिजिग्नेशन पीरियड कंप्लीट नहीं कर रहे हो वहाँ से, तो उसके बाद में होता क्या कि जब भी कभी आपको गवर्नमेंट का ऑप्शन मिलता है या गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ आपको फ्रेशर मांगा, क्योंकि उसमें जल्दी से ओवर एज वाली नहीं होती हैं बातें, कि मतलब एक एज के बाद होता है कि 40 साल आप 50 साल आपके निकल चुके हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट में आपको ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आप यंग एज में होते हो, 20, 25, 30, 35 की एज में आप होते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट का हमेशा। तो उसमें होता क्या कि गवर्नमेंट ने अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो कुछ भी मैटर नहीं करता, वो चाहे 5 कंपनी ने टर्मिनेट किया हो, आपको चाहे 3 कंपनी ने फायर किया हो या आपने किसी कंपनी को रिजाइन डाला, रिजिग्नेशन पीरियड कंप्लीट नहीं किया है, तो उस चीज़ से गवर्नमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको गवर्नमेंट जॉब इजीली तब भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इससे प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर फ़र्क पड़ता है टर्मिनेशन के बारे में, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। एंड जो दूसरी जो इसमें एक पॉसिबिलिटीज होती है कि कई बार होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, मान लो कोई आईटी की जॉब आप गवर्नमेंट में करने जा रहे हो या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या सिविल सर्विसेज की या मैकेनिकल की, बहुत सारी ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं गवर्नमेंट में जो आपको बीटेक या एमटेक के बाद या टेक्निकल डिग्री के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब देती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है और वो गवर्नमेंट में अप्लाई करना है तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, आपको किसी कंपनी ने टर्मिनेट किया है, कहीं से रिजिग्नेशन आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पे प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको दिखाने के लिए और उसका वेरिफिकेशन करवाने के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहीं भी एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा तो आप कंपनी से टर्मिनेट हुए हो, फायर्ड हुए हो, रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।